नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में कि पैरालिसिस पेशेंट को किस तरह की डाइट देनी चाहिए जिससे उसके अंदर मैक्सिमम रिकवरी हमें देखने को मिले। पैरालिसिस के पेशेंट जब क्लिनिक पर आते हैं, मुझसे मिलते हैं, तो अक्सर हम उनसे पूछते हैं कि आप किस टाइप का खाना दे रहे हो। पेशेंट बताता है कि हम उनको घिया, तोरी, टिंडा, खिचड़ी और दलिया जैसी चीज़ें दे रहे हैं। और जब पेशेंट इस तरह का खाना खा रहा होता है तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि पेशेंट अपना बहुत तेज़ी से वेट लॉस कर रहा होता है, क्योंकि इन खाने के अंदर ताकत नहीं होती और जिसकी वजह से पेशेंट अपने अंदर रिकवरी नहीं दिखा पाता। तो हमें एक पर्टिकुलर टाइप की डाइट देनी पड़ती है पैरालिसिस पेशेंट के अंदर जिससे उसके अंदर रिकवरी हो सके। ये डाइट उसकी बॉडी के लिए भी होती है, उसकी ब्रेन के लिए भी होती है, क्योंकि पैरालिसिस के अंदर क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर किसी टाइप का क्लॉट की वजह से, ब्रेन हैमरेज की वजह से ब्रेन का एक पर्टिकुलर हिस्सा डैमेज हो जाता है। और वो ब्रेन का हिस्सा क्या करता था, आपके हाथ पैर को चलाता था। तो जब ब्रेन में डैमेज होता है उसका असर आपको हाथ पैर में नजर आता है कि हाथ पैर की मूवमेंट चली गई। तो जब हम रिकवरी करने के बारे में बात करते हैं तो हमें स्टार्ट करना पड़ता है ट्रीटमेंट ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन को अंदर जब तक चेंजेस नहीं आते तब तक पेशेंट के अंदर रिकवरी नहीं देखने को मिलती। अब ये रिकवरी करने के लिए रिकवरी के मैकेनिज्म को समझते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि हमने ये डाइट क्यों प्लेस की। ब्रेन के अंदर जो रिकवरी होती है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी से होती है। मैं कोई एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। वो दिन याद करो जिस दिन आपको पैरालिसिस हुआ था। उस दिन ना आपका हाथ चल रहा था, ना पैर चल रहा था, बिल्कुल बेड रिडन थे, क्योंकि ब्रेन का वो हिस्सा जो आपके हाथ पैर को चलाता था वो पूरी तरह से मर चुका था। मगर फिर भी अगले 6 महीने के अंदर आपके अंदर रिकवरी हुई। ये रिकवरी कैसे आपको देखने को मिली कि आपके हाथ पैर में थोड़ी सी मूवमेंट आने शुरू हुई, आप थोड़ा सा बोलने लगे, थोड़ा सा चलने लगे, चाहे वो सपोर्ट के साथ ही, बट चलने लगे, इंप्रूवमेंट आने लगी। ये इंप्रूवमेंट क्यों आए जबकि आपके ब्रेन के अंदर वो हिस्सा तो डैमेज हो चुका था, मर चुका था। और ब्रेन के अंदर जो डैमेज होता है वो परमानेंट टाइप का होता है, वो ठीक तो होता नहीं है। तो ये रिकवरी कैसे आगे 6 महीने के अंदर, ये रिकवरी इसलिए है क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर एक मैकेनिज्म होता है अपने आप को हील करने का, ठीक करने का, उसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी हर किसी के इंसान की बॉडी के अंदर होती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं होती, मगर जब तक वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो वो ग्रो करना शुरू करते हैं, उनका जो ब्रेन है वो डेवलप होना शुरू होता है। ये जो ब्रेन डेवलप होता है जिस मैकेनिज्म से होता है, जिस रीज़न से होता है, उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब एक इंसान अपनी टीनेज को क्रॉस कर जाता है तो ब्रेन ऑलमोस्ट, ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म है वो बंद हो जाता है, वो आगे रिकवर और डेवलप नहीं हो पाता। मगर जब पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक पड़ता है तो बॉडी इसको दोबारा से स्टार्ट करती है, मगर स्टार्ट करने के बाद ये अगले 6 महीने तक ही काम करती है। उसके बाद आप देखोगे कि इसकी जो आपकी पैरालिसिस के अंदर रिकवरी है वो बंद होनी शुरू हो गई। आप एक्सरसाइज करवा रहे हो तो भी रिकवरी नहीं हो पा रही। तो यहाँ ज़रूरी होता है कि ब्रेन के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी को कंटिन्यू रखना जिससे पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट होती रहे। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझेंगे और उस हिसाब से हम यहाँ पर डाइट डालेंगे, खाने में चीज़ों को बदलेंगे। अब ब्रेन को एनर्जी चाहिए, ब्रेन को प्रोटीन चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा शरीर प्रोटीन का बना हुआ है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक हमें किसी पैरालिसिस पेशेंट को डाइट में देनी होती है। अगर आप खिचड़ी दलिया चीज़ें खा रहे हो तो ब्रेन को प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं मिल पा रही। पेशेंट वेट लूज कर रहा है, ब्रेन भी वेट लूज कर रहा है, वो कमज़ोर होता जा रहा है, जिससे हमें पेशेंट के अंदर रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। तो हम एक पैरालिसिस के पेशेंट को पहलवानों वाला खाना देंगे और पहलवानों वाली एक्सरसाइज भी करवाएंगे। जितना अच्छा खाना उतनी अच्छी एक्सरसाइज पेशेंट करने लायक बनता है। अगर हमने पेशेंट को खाना ढंग से नहीं दिया, आप उसको दलिया खिचड़ी दोगे और कहोगे कि आप जाओ एक्सरसाइज करो, तो उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है ना। तो हमें उसकी बॉडी में एनर्जी डालनी ज़रूरी है। तो डाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो प्रोटीन, कि पेशेंट को हमने प्रोटीन देना है। अब हमारे खाने में प्रोटीन कहाँ से आता है? हमारे खाने में प्रोटीन का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध की आइटमें। अगर हम पेशेंट को दूध देते हैं तो पेशेंट के अंदर में रिकवरी अच्छी देखने को मिलती है। मगर दूध के अलावा जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेशेंट को देने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको मलाई, मक्खन, घी देंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अगर पेशेंट को दही देंगे तो, क्योंकि दही जो होती है वो मंदक होती है, आप एक बार खा सकते हो, बार बार नहीं खा सकते। तो दही जैसी आइटम जो खट्टी होती हैं वो हमें अवॉइड करनी होती है। तो दूध की आइटमों के अंदर सिर्फ दूध हमने पेशेंट को अच्छे अमाउंट में देना होता है, जिससे उसके ब्रेन को प्रॉपर तरीके से एनर्जी मिलती रहे, उसकी बॉडी को एनर्जी मिलती जाए। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डाइट के अंदर वो है दालें, क्योंकि दाल है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। एक वेजिटेरियन के लिए सबसे अच्छा सोर्स हम दालें ही मान के चलते हैं। तो दाल कोई भी हो सकती है, मूंग की दाल हो सकती है, मसूर की दाल हो सकती है, मोठ की दाल हो सकती है। इसको हमने डाइट के अंदर बढ़ाना है जिससे बॉडी के अंदर प्रोटीन अच्छी तरीके से जाए, जिससे ब्रेन को प्रॉपर तरीके से प्रोटीन मिले, जिससे वो अपने ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है उसको
करता रहे, उसे किसी चीज़ की कमी ना पड़े। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ डाइट के अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमारे मशरूम्स होते हैं, हमारे जो सोयाबीन होती हैं, उनको भी डाइट में इंक्लूड करना, क्योंकि ये भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो ये जो मैंने आपको प्रोटीन का सोर्स बताया, ये मैंने आपको एक वेजिटेरियन के लिए बताया, मगर नॉन वेजिटेरियन पेशेंट के अंदर हमें रिकवरी फास्ट देखने को मिलती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कुछ अच्छे एलिमेंट्स और जा रहे होते हैं। अक्सर जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन हमारे के पास आते हैं, उनको हम बोलते हैं कि अपने डाइट के अंदर एग्स फिश को ऐड करो, क्योंकि एग और फिश एक ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, ये बॉडी में बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है और बॉडी को बहुत तेज़ी से एनर्जी देता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज खा लेते हैं, तो आपने चिकन और मटन पर ध्यान नहीं देना, आपने मैक्सिमम ध्यान देना है फिश के ऊपर और एग्स के ऊपर, क्योंकि ये आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए सफिशेंट है। आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा और आपकी बॉडी में तेज़ी से एनर्जी भी जाएगी, आपके ब्रेन को एनर्जी जाएगी और आपके ब्रेन में तेज़ी से इंप्रूवमेंट भी होगी। तो ये जो डाइट है जो हम इंक्लूड कर रहे हैं वो ज़रूरी है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि हमें डाइट के अंदर कुछ चीज़ें बंद भी करनी पड़ती हैं, कम भी करनी पड़ती हैं, और क्यों करनी पड़ती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको ब्रेन हैमरेज हुआ था बीपी की वजह से, अब बीपी अगर आना बढ़ता है तो दिक्कत बढ़ती है। अब हमें डाइट में कुछ चीज़ें बंद भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें दोबारा से अपने आप को पैरालिसिस से बचाना है। अब एक किसी पेशेंट को पैरालिसिस का स्ट्रोक क्यों पड़ता है, या तो बीपी की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, तो इन तीनों चीज़ों का भी हमें डाइट में ध्यान रखना पड़ता है कि ये ना हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़े, ना हमारा बीपी बढ़े, ना हमारी शुगर बढ़े। तो हम बीपी के लिए क्या करते हैं, हम अपने खाने में नमक की मात्रा कम करते हैं, इसके साथ अचार चटनियों को हमें बंद करना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। नॉर्मल चपाती राइस खाएं, उसमें नॉर्मल अमाउंट में सॉल्ट लें, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपका बीपी ठीक आ रहा हो। अगर आपका बीपी ज़्यादा आ रहा है तो आपके सॉल्ट के इंटेक को कम करना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर आपने अपनी लिपिड प्रोफाइल करवाई है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा देखी और आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा आ रही है, तो जो फैट फिली आइटम होती है जैसे घी है, मक्खन है, मलाई है, या फिर मटन है नॉन वेज आइटम्स के अंदर, या फिर चिकन आप लेके चल सकते हो, ये सारी जितनी भी बड़े एनिमल्स का जो एनिमल प्रोडक्ट होता है, ये हमें बंद करना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है और हमारे शरीर में भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है। क्लॉट ना बने इसलिए इन सब चीज़ों पर हम कैंसिल लगाएंगे, इसको हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं पैरालिसिस के शिकार। हमने डाइट में क्या ध्यान रखना है कि खाने में हम कुछ ऐसा ना खाएं जिससे हमारी शुगर बढ़े। तो जितने भी मीठे प्रोडक्ट्स होते हैं, मिठाइयाँ हैं, चाहे आपके चीनी के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, चाहे गुड़ के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, एक डायबिटिक पेशेंट को छोड़ देनी चाहिए। अगर आपकी शुगर ठीक है तो आप ले सकते हैं, मगर अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इन चीज़ों से हमने बच के चलना है। और अगर आपको अभी शुगर नहीं है और आपकी फैमिली में आप देखते हो कि आपके फादर मदर को शुगर रह चुकी है, तो भी आपने अपने आप को बचा के चलना है, क्योंकि जब आपकी शुगर बढ़ेगी आपको पता भी नहीं लगेगा, और दोबारा से अगर पैरालिसिस का अटैक हो जाता है, क्लॉट बन जाता है, तो हमारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इन चीज़ों को हमें डाइट से निकालना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि पैरालिसिस पेशेंट को अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को हाई रखना होता है, और कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ें को बचने के लिए हाई फैट वाली चीज़ें, नमक वाली चीज़ें, खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारी जो कंडीशन है वो स्टेबल बनी रहे। हाई प्रोटीन की वजह से हमारे ब्रेन में अच्छी रिकवरी देखने को मिले, पेशेंट की बॉडी में एनर्जी बने रहे, जिससे उसके ब्रेन को भी एनर्जी मिले, उसकी बॉडी को भी एनर्जी मिले, पेशेंट सही तरीके से एक्सरसाइज कर सके और कम से कम टाइम में रिकवरी दिखा सके। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने के आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।